पूरा शो फ्री में देखने के लिए डाउनलोड कीजिए एमएक्स प्लेयर ऐप या फिर लॉग ऑन करें www.mxplayer.in पर। चलेंगे जब लोग क्रेजी दिल के, देखे रहेंगे क्या सिंगल मिलके, नया रास्ता नई खोज है, नई मस्तियाँ हर रोज है, ना जाने क्या हो जाए आपके, लव तो हो जाने दो आपके, दावों के प्लीज आपके, लव को नहीं तो powered by Too Yum. इतना लंबा सफर तय करके I have dropped the pin in धर्मशाला। Hello people, या कहूँ Hi peeps, मैं हूँ करण वाही और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना excited क्यों? यार क्यों ना हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं धर्मशाला में हूँ। मैं वही कर रहा हूँ जो मैं हर वक्त करता हूँ, घूम रहा हूँ, I am traveling। लेकिन मैं अकेले travel नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ यहाँ with 6 young, vibrant और सबसे ज़्यादा important मेरी तरह single travelers के साथ। मैं करूंगा 6 सिंगल एलिजिबल्स के साथ एक सोशल एक्सपेरिमेंट और उन्हें लेकर जाऊंगा इन द एंचेंटिंग हिल्स ऑफ द हिमालयस राइट हियर इन हिमाचल। और इस एक्सपेरिमेंट में 6 एलिजिबल सिंगल्स करेंगे एक्सप्लोर एक नई लोकेशन विद अ न्यू पार्टनर, ऐसा पार्टनर जिसके साथ दे'ल ट्रैवल, दे'ल लिव एंड दे'ल डू द चैलेंजेस आई थ्रो एट देम। जो भी जीतेगा ये चैलेंज उन्हें मैं करूंगा रिवॉर्ड विद सम यूनिक एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। आप ट्रैवल करते हैं किसी के साथ, आपका खाना पीना उठना बैठना सोना जगना एक इंसान के साथ करते हैं, दैट्स द टाइम यू रियलाइज योर कॉमन हंगर फॉर एडवेंचर। और मैं मानता हूं कि आप ट्रैवल पर ना अपना सोलमेट ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एपिक सोशल एक्सपेरिमेंट ऑन द रोड। लव ओके प्लीज। मैं हूँ अदिति राजपूत और मैं देहरादून से हूँ। मुझे बाइक चलाना बहुत ज्यादा पसंद है। देहरादून में लोग मुझे एज अ बाइकर गर्ल के नाम से जानते हैं।
बाइक के साथ साथ मुझे डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है। रिलेशनशिप में रहना मेरे लिए ऐसा हो चुका है जैसे एक जेल, बिकॉज मेरा बॉयफ्रेंड जो इससे पहले था वो ये नहीं करना, वो नहीं करना, इससे बात नहीं करना, तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। आई होप कि इस जर्नी पे मुझे कोई ऐसा मिले जिसे मैं अपने बाइक पे पीछे बिठा के पूरा इंडिया घुमा सकूं। Hi, my name is Anjali Gari Mela. I am a half Indian, half Russian. मैं पली बड़ी माइसो में हूँ। उसके बाद मैं 3 साल के लिए फ्रांस में गई थी। I did my hotel management there and now I'm in Bombay. इसकी वजह से I think I can be called a global citizen. मेरी मॉम रशियन है और मेरे डैड इंडियन है, तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे एक एग्जॉटिक कॉकटेल बुलाते हैं। मैं लोगों से बहुत आसानी से घुल मिल जाती हूँ, इसी वजह से a lot of guys and especially because of my looks too, they think I'm easy, which is completely wrong. So I'm a one man kind of a girl, और जितना मैंने घूमा है फिर भी I've not found that guy, so hopefully on this journey I will. Hi, मेरा नाम कस्तूरी छेत्री है, मैं सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से हूँ। मैं बहुत ही क्यूट, सिंपल और इनोसेंट हूँ। क्योंकि मैं छोटे शहर से हूँ तो लड़कों को ये लगता है कि मैं पार्टीज नहीं करती, मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने कभी बॉयज़ के साथ ट्रैवल नहीं किया है, तो मैं इस जर्नी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनके साथ ट्रैवल करने के लिए। आई होप उनके लुक्स और बॉडी अच्छी रहे। वेलकम टू लव ओके प्लीज, पावर्ड बाय टू यम गाइस। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो कभी कभी आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, यू मीट न्यू पीपल, यू गो टू न्यू प्लेसेस, आप जिससे भी मिलते हो, कभी स्टोरी बहुत अच्छी होती है, कभी इंटरेस्टिंग होती है, कभी नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि इस बार अपने इस सोशल एक्सपेरिमेंट में मैं 6 यंग वाइब्रेंट लोगों को ले चलूँ। तो 3 तो मेरे सामने खड़ी हैं, खूबसूरत लड़कियाँ, बाकी के 3 जो आपके ट्रैवल पार्टनर्स हैं, आप मिलना चाहेंगे उनसे? Yeah. सुंदर लड़कियों के साथ गबरू शेर होने चाहिए ना, शेरों को बुला लूं मैं? Yeah. चलो शेरो 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 शेरो। दूर से हमने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं और टिबेटन लायंस भी आ रहे हैं, तो काफी फनी सा लग रहा था कि इसके अंदर लड़के हैं। फिर उसके बाद ये लायंस इन 3 बॉक्सेस के पीछे जाके छुप गए। कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है और कौन है ये, क्या हमारे कंटेस्टेंट्स उसमें थे और उन्होंने नाचा था, कुछ मालूम नहीं था। Well. इस डांस को कहते हैं द टिबेटन लायन डांस। थैंक यू बॉयज। सोशल मीडिया पे आप लोग इनका चेहरा देखते हो, चेहरा देख के राइट स्वाइप होता है, लेफ्ट स्वाइप होता है, लाइक होता है। यहाँ आपको चेहरा नहीं दिखाऊंगा मैं, आई वुड गिव यू समथिंग बेटर, आई विल गिव यू द चांस टू फील दैम। उनको टच करना है, उनको फील करना है। मैं सोच रही थी कि अंदर क्या होगा, कैसे होगा, ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। तो मैं आप तीनों लड़कियों को ना 4-4 टचेस दूंगा, 3 सोशल टच एंड 1 प्राइवेट टच। तो हमारे दिमाग में सारी लड़कियों के में वी वर जस्ट लाइक ये प्राइवेट टच है कहाँ और क्या होगा, आई मीन कहाँ पे टच करवाएंगे। हु वांट्स टू गो फर्स्ट? शी लाइक कस्तूरी, इन 3 में से किसको आप छूना चाहते हो, ए बी या सी? मिडिल वन। मिडिल वाले को? या। मेरा नाम है पुलकित छाबड़ा और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आई एम 24 और मैं डैड के साथ बिजनेस करता हूँ। आई लाइक फंक्शनल एक्सरसाइजेस। शक्ल तो भगवान की देन है पर बॉडी मैंने खुद बनाई है, तो लड़कियाँ काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती हैं उस बात को लेकर और मुझे बहुत पसंद आता है वो। मेरे पास एक और हुक्म का एक है जो कि है मेरी सिंगिंग, और मैं किसी भी लड़की को 5 सेकंड में इम्प्रेस कर सकता हूँ। आपको एक लड़के में सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? हाइट। चलो आप पहले हाइट देख लो। चलो
क्या हुआ? देख लिया, मेरे हाइट का है। तुम्हारी हाइट है? हाँ। अच्छा, मैं इसके बारे में आपको एक चीज बता देता हूँ। इन्होंने अपनी पहली गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था अपने स्कूल के अंदर 200 स्टूडेंट्स के सामने। ओ, अच्छा है, दिल का अच्छा है। दिल का अच्छा है? हाँ, शायद मुझे भी प्रपोज करे सबके सामने। अच्छा, तुम्हें ऐसा प्रपोजल चाहिए? हाँ। मैंने सोचा वाओ, सब ऐसे नहीं करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा वो सोचे कि काश वो मेरे लिए भी ऐसे करे। फिर मैं गई ए वाले के पास, मुझे उसका एब्स टच करना था। भाई भगवान करे तुम्हारे एब्स थोड़े तो हो, भाई कुछ तो हो तुम्हारे पास। हाय, मेरा नाम आकाश मनसुखानी है एंड आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई लाइक टू वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। डाउन टू अर्थ, गुड फैशन सेंस एंड गुड एटीट्यूड, ये तीन चीजें हैं जो मुझे डिफाइन करती है। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और मैंने दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज एक्सप्लोर की है। इतने सारे कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद भी इस जर्नी का एक्साइटमेंट कुछ अलग ही है, क्योंकि मैं इस जर्नी पर सिर्फ जगह नहीं, मैं लोगों को भी एक्सप्लोर करूंगा। मैंने टच किया तो देखा कि नहीं, उसका एब्स नहीं है, वो बहुत ज्यादा मोटा टाइप का था। क्या हुआ? नहीं एब्स। रिएक्शन बहुत ही बुरा था, लाइक ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पता नहीं क्या हाथ में ले लिया है। मेरा लास्ट चांस था, फिर मैंने सी के पास गई मैं। हेलो गाइस, मेरा नाम रुबिन बूसा है और मैं मुंबई शहर से हूँ। मैं करीबन 5 साल से बीटबॉक्स कर रहा हूँ एंड वो मेरी एक खास टैलेंट है जिसकी वजह से मैं काफी लोगों का दिल जीत चुका हूँ। बाहर जाना, नए लोगों से मिलना, नई लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करना, ये सब मेरी लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर कोई लड़की पे मेरा दिल आ गया, whether they older than me, whether they younger than me, मेरी बॉडी हो ना हो, I can win their hearts with my words, that's for sure. मैं दिखता बहुत इनोसेंट एंड क्लासी, but wait for my naughty side. मैंने देखा कि नहीं, ये भी ओके ओके है, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ओके ओके। तो आप किसको मौका देना चाहेंगी प्राइवेट टच का? बी। तो मुझे वो ऐसे मतलब ढंग से पता नहीं फेस पे रब करके देख रही थी, पर टच तो पूरा प्रॉपरली करा, देखा ढंग से कि कैसा फेस कट है। अच्छा है। अच्छा है? या। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने सही बंदे को चूज किया है। ठीक है, तो आपके पास तीन चॉइसेस हैं अदिति, ए बी या सी। याद रखिए, आप अपने ट्रैवल पार्टनर को चुनने वाली हैं, जीने मरने की कसमें खाने वाली हैं आप इनके सामने। आई थिंक ए। हाँ, हाथ डालना चाहेंगे आप? आई थिंक शोल्डर। डालिए डालिए, हाथ डालिए। मैंने जब उसके अंदर हाथ डाला, उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे और उनको टच करके बस लाइक ओह, उसने कुछ पहना नहीं है। उसने कुछ पहना नहीं है? ऐसा अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि मैं जनरली ये नहीं हूँ कि मैं शर्ट का भी उतार दूँ या ये सब, क्योंकि बॉडी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं बिजनेस करता हूँ तो बॉडी बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। व्हाट डू यू लाइक फील? ही वाज लाइक शॉर्ट नाउ, ही इज अ शॉर्ट गाय। मैं 5'11" का हूँ तो इसलिए मेरे मन में आ रहा था कि ये मुझे शॉर्ट क्यों बुला रही है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में एक चीज़, मुझे बात करने वाला इंसान ज़्यादा पसंद है मोर ब्यूटीफुल इंसान से। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो मैंने सोचा कि बी का भी आई थिंक मुझे शोल्डर ही चेक करना चाहिए। मुझे पहले से बेटर लगा तो आई वाज लाइक कोई तो है। क्या हुआ? अच्छा, क्या हुआ? ओके ओके। ओके ओके का मतलब क्या होता? ओके ओके मतलब चल जाएगा। चल जाएगा। फिर मैंने चूज किया कि आई थिंक मुझे बी को ज्यादा जानने को मिलेगा, तो मैंने सोचा उनके एप्स ट्राई करनी चाहिए। तो मुझे एप्स तो नजर नहीं आए, लाइक
ये था कि इट्स नॉट फैटी, थोड़ा बहुत वर्कआउट करता है. अच्छा ऐप जाए, आई थिंक थोड़ा थोड़ा स्टार्टअप वाला होता है ना, थोड़ा थोड़ा. वो प्राइवेट टच आप किस पर यूज करना चाहोगे, ए बी या सी? मैं बी के बारे में जानना चाहती हूँ. और जानना चाहती हूँ. उनका फेस हल्की हल्की बियर्ड कुछ फील हो रहा था, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बियर्ड था तो मुझे अच्छा लगा. मुझे लगा कि आई थिंक बस इससे ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं, आई थिंक हम लोग साथ में जर्नी कर सकते हैं. मेरी बारी आई रही फाइनली, आई वॉज सो एक्साइटेड. मैंने सोचा ठीक है, आई होप सी इज बेटर. मैं देखना चाहती थी कि कौन है, कैसा होगा. अंजलि, व्हाट इज दैट वन थिंग जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है आपको? Overall fit body. That's why I'm going for the legs. मैं देखना चाहती हूँ कि उसके पैर अच्छे हैं या does he have chicken legs? चलिए तो आप ऐसा कीजिए, आप देखिए chicken legs हैं या body builder हैं नीचे. Okay, good luck. पहले तो वो बहुत, उसके बहुत बाल थे और उसके ऊपर उसके पास सिर्फ हड्डी थी वहाँ पे. क्या हुआ? Chicken legs. Chicken legs. I was just like, ये क्या है? हाँ मतलब खाने में बड़ा मजा आता है तुम्हें. यार मेरे को ऐसा हुआ कि यार मैं बाहर निकलूं और उसे सुनाऊं कि chicken legs हो या जो भी हो, I can still weave magic with these legs. इनके बारे में एक बहुत कमाल का फैक्ट है. मैं 150 महिलाएं और लड़कियों के साथ रह चुका हूँ 2.5 साल के स्पैन में. They don't look at his legs clearly. मैं डर गई कि यार ये बंदा कैसा होगा, कि उसे इतने बस टाइम मिल कैसे गया 150 लड़कियों के साथ. तो इट वाज सेकंड सोशल टच. मैंने बी को चूज किया. दिमाग में आई वाज प्रेइंग दैट ही इज बेटर देन सी. है मतलब या नॉट द वर्स्ट, नॉट द बेस्ट आइदर. It was my third social touch and I picked A. पैर थोड़ा मोटा था लेकिन मस्कुलर नहीं था. ऐसे था कि मोटा भी नहीं, स्किनी भी नहीं, बट नॉट मस्कुलर, नॉट फिट. तो फिर से वाज अ नो. चलिए अंजलि, वो प्राइवेट टच आप किस पर यूज करना चाहोगे, ए बी या सी? बी. ठीक है. मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो मेरा नाम ही लेने वाली है क्योंकि तीनों लड़कियों को मैंने ही इम्प्रेस किया था, मतलब वो मेरे से इम्प्रेस हुई थी. Supposedly, आपको बी बहुत पसंद और किसी और को भी बी बहुत पसंद है, तो फिर क्या करेंगे? मैं उसको दे दूंगी. दे दोगी? क्यों? ऐसा कोई बंदा नहीं है इस दुनिया में जिसको मैं इतना भी चाहती हूँ. फेस टच करके मुझे अच्छा लगा. आई मीन ही हैड लिटिल बिट ऑफ अ स्टबल, तो ठीक ठाक लगा. आई मीन प्रीटी गुड. तो गर्ल्स, वक्त आ गया है, अब आप चुनेंगी अपना टू यम पेयर जिसके साथ आप करेंगी ट्रैवल. किसका पार्टनर कौन होगा और मेरा पार्टनर कौन बनेगा, कौन किसको चूज करेगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी जानने के लिए. लेट्स सी हूज बेक्ड एंड हूज फ्राइड. अंजलि, मैं बी को बेक करना चाहती हूँ और दूसरों को फ्राई. आई थिंक वो सबसे ज्यादा कंपैटिबल था मेरे साथ उन तीनों लड़कों में से, एंड फैक्ट्स में भी और टच में भी. कस्तूरी, मैं बी को बेक करना चाहती हूँ और दूसरों को फ्राई. अदिति, बी को बेक एंड बाकी को फ्राई. अभी तीनों लड़कियों ने बी सिलेक्ट कर लिया था और अब तक गेम में ऐसा ही था कि यार ए और सी तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ बी है गेम में, ऐसा हो गया था. तो तीनों लड़कियों को बी को बेक करना है. बी, तेरी तो निकल पड़ी ब्रो. That moment I was just really like, भगवान मैं क्या करूंगी. ऐसे लग रहा है कि सिर्फ एक ही बंदा है और दो बॉक्स तो दिख ही नहीं रहे हैं इन दो लड़कियों को. सब मेरे चॉइस के पीछे क्यों है? किसी एक को ही मिलेगा हमारा बी, तो कैसे डिसाइड करें? लड़का डिसाइड करेगा. हाँ. लड़का डिसाइड करे. दे दूं मैं ऑप्शन? दे दो. चलिए तो बी. हाँ जी. आपको अंजलि के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ. वो हाफ रशियन है और हाफ इंडियन. स्पार्क आया? बिल्कुल. कस्तूरी बहुत ही इमोशनल लड़की है और वो जब भी किसी को डेट करती है ना तो वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाती है, उनकी हो जाती है. बहुत ही इंडिपेंडेंट लड़की है अदिति,
हाँ जी। और पिछले 9 साल से वो इंडिपेंडेंटली खुद काम कर रही हैं। वेरी नाइस। तो बी हाँ जी, अंजलि, कस्तूरी या अदिति? मैं बनाना चाहता हूं अंजलि को अपना 2 यंग पार्टनर। कंग्रेचुलेशंस बी। थैंक यू सो मच। अंजलि नाम की लड़की को चुना जो कि मुझे जिनमें एटीट्यूड लगा थोड़ा, क्योंकि मुझे भी एटीट्यूड पसंद है। So I was very happy, क्योंकि first of all, वो embarrassing नहीं था कि you know, इन तीनों में से मुझे select नहीं किया गया। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि उन्होंने मुझे चूज नहीं किया, मे बी उनका फॉल्ट होगा। कस्तूरी, ए और सी में आपको क्या लगता है कौन ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा? ए। ए। अदिति? सी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट क्योंकि आपने उसे टच ही नहीं किया था, तो ए। ए यार, आपको अदिति और कस्तूरी से कुछ सवाल पूछने हैं क्या? यस। अदिति, आपने बी को उनके टच के वजह से चुना या उनकी फैक्स के वजह से चुना था? शोल्डर्स, टच की वजह से आपने चूज किया। चलिए, कस्तूरी से कुछ पूछना है भाई? नो थैंक्स करण। जब ए ने कहा कि उसे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था उसके ऊपर कि क्यों नहीं पूछना है। सी, कुछ सवाल पूछने हैं किसी से? जी जरूर। किससे पूछना है? कस्तूरी से। कस्तूरी से? क्या पूछना है? आपके पास 2 लड़कों में चॉइस हो, एक लड़का जो आपको फॉल्स होप्स दे, आपको बोले कि आई लव यू, या दूसरा बंदा जो ऑनेस्टली एडमिट करे कि वो काफी लड़कियों के साथ रहा है, आप किसको प्रेफर करेंगी? सेकंड वन। एक कैसन होगा जो सच सच बोल दे। हाँ अदिति, लुक्स के बाद सबसे पहली चीज क्या देखते हो आप बंदे में? बात करने का तरीका, वो किस तरीके से लड़कियों को रिस्पेक्ट करते हैं। अब मैं अदिति आपसे जानना चाहता हूँ, ए या सी? सी। सी। कस्तूरी? सी। सी। मेरे को ऐसी लड़की के साथ जाना था जिसको समझने में यू नो मुझे मजा आए, जिसको जानने में मुझे मजा आए। कस्तूरी, आई बेक यू एंड आई फ्राई अदिति। मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो मेरा चॉइस नहीं था, मेरा चॉइस बी था, लेकिन इट्स ओके, उसने अगर मुझे चूज किया तो ठीक है। तो कंग्रेचुलेशन सी एंड कंग्रेचुलेशन कस्तूरी, आप बनते हैं हमारे 2 यंग पेयर। इसका मतलब ये है कि अदिति, आपका पेयर है ए। कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मुझे ना चाहते हुए भी ए के पास जाना ही था। ओके गर्ल्स, अब है वक्त आपके 2 यंग पेयर्स से मिलने का। तो सबसे पहले मिलवाते हैं आप तीनों को बी से। लेडीज, दिस इज बी, इनका नाम है पुलकित। आई वॉज हैप्पी, आई मीन ही वॉज गुड, आई वॉज हैप्पी विद द चॉइस। या कंग्रेचुलेशन पुलकित, आप जा सकते हैं अंजलि के पास। आप और अंजलि हैं हमारे 2 यंग पेयर। हाय, हाउ आर यू? वो मेरे टाइप की नहीं थी बिल्कुल भी जिन्हें मैंने चुना था, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, बट कोई नहीं, उनको जानने का मौका मिलेगा तो लेट्स सी। चलिए ठीक है, तो अब बुलाते हैं बाहर सी को। How are you, buddy? I'm good. जब सी ने एंट्री करी तो उस टाइम ऐसा हो रहा था, थैंक गॉड ये नहीं आया मेरे साथ में, बिकॉज ही वॉज लाइक किड। ये है सी, इनका नाम है ध्रुविन। Hi. मैंने देखा उसको कि नहीं, ये मेरे टाइप का नहीं है, ये मेरा चॉइस नहीं है। आप जा सकते हैं अपने 2 यंग पार्टनर के पास। How are you? Congratulations, guys. तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत इरिटेट हो रही थी तब मैं।
अदिति आपके ए को बुला लेते हैं। हेलो, आइए 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 आइए। हाउ आर यू? आई एम गुड। जब उन्होंने एंट्री करी, आई वाज लाइक थैंक गॉड कि मेरे साथ में एक ऐसा लड़का है जो बहुत डिसेंट सा है, बहुत सिंपल सा है। ये है ए, इनका नाम है आकाश। आप जा सकते हैं अदिति के पास। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस गाइस। हाय, मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जो मैं शुरुआत से चाहता था मुझे वही मिला। भूख लगी है? यस। तो गाइस, मैंने आपके लिए स्पेशली एक ट्रेडिशनल तिब्बतन मील तैयार करवाई है, तो जाइए क्योंकि खाने पे आई थिंक बहुत कुछ हो सकता है। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस होंगी, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए और इस ट्रेडिशनल खाने का लुत्फ़ उठाइए। आई विल सी यू इन सम टाइम। थैंक्स। थैंक यू। मुझे मालूम है कि मैं आपकी पहली चॉइस नहीं था, मुझे मालूम है ये बात। पहली चॉइस इन तीनों में से कोई नहीं था क्योंकि मैंने देखा नहीं था बस। I want to tell you something. Now that you're my partner, yeah. I want to make sure कि हम दोनों we make the best out of this. Yeah. Okay. तो कैसा रहा? I should be asking you that. मेरा नाम चुलिया। As आपने बोला था कि आप independent हो एंड आपके बात करने का तरीका से मुझे समझ में आया कि आई कैन रिलेट टू यू। जब करण ने सबको बताया कि वो बाइकर है, मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की बहुत ही रफ और टफ होगी। वो कंप्लीट ऑपोजिट निकली और वो बहुत ही सिंपल और इमोशनल और क्यूट थी। आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई चॉइस। मुझे लगा तीनों लड़के में से आई गॉट अ वेरी गुड डील। तुम दिल्ली के लौंडे वाला पक्का? हाँ, पंजाबी। बढ़िया एकदम, मतलब इन दोनों से बेटर मैं डेफिनेटली। दिखने में तो तूने बोल ही दिया, बात में भी बेटर हूँ। I'm not saying they are less, but I am somewhat better. वो बोलने वाले ज़्यादा है। वो बहुत बात कर रहा था। It was very annoying. देख, मैंने तो जीतना जीतना है। अब तूने जीतना है वो तू देख ले। मुझे बात करने के लिए मौका भी नहीं दे रहा था। बार-बार जीतने की बात कर रहा था। I am like पहले एक दूसरे को जान लेते हैं और travel कर लेते हैं, फिर जीतने के बारे में सोचेंगे। That was irritating. मुझे लगा कि ठीक है चलो, अब तक ये लड़की बहुत शाही सी थी, अब तक बहुत इंट्रोवर्टेड थी, तो शायद अब ओपन अप करेगी। अब हमें यार खाना, इतनी भूख लग रही है, खाना दो। फिर ऐसा हो गया ना कि जब भी हम बात कर रहे थे, कस्तूरी के माइंड पे सिर्फ एक ही चीज थी, खाना। भूख लगी, जल्दी चलो, और कितने दूर? खाना खाना है। वो क्या है? साग, सरसों का साग। At was the moment जब मेरे को actual में second thoughts आ रहे थे अपनी choice के बारे में। यहाँ momos नहीं मिलता क्या? I never enjoyed momos that much. मैं घर पे बनाऊंगी फिर आना। I'm promising you, I'm coming over. Yeah. If you're a good cook, I'm coming over. Yeah. Even if you're not, I'm still gonna come over. I'm gonna judge your food. एक बार खाऊंगा जरूर, इतना तो करने आऊंगा ही। Damn, you're damn cute. मुझे अच्छा लगा जैसे वो बात कर रहा था, लाइक इट्स फ्रेंड टाइप का होता है ना कि बहुत दिनों बाद हम मिले हैं, इस टाइप का वो बात कर रहा था, तो मुझे अच्छा लगा वो चीज़। फाइनली हम रिजॉर्ट पहुंचे, बहुत खूबसूरत था। हम रूफटॉप पे गए टिबेटन लंच खाने के लिए एंड इस व्यू के साथ माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड, रूफटॉप से सब कुछ दिख रहा था, सनसेट हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत था। ओह वाओ, ऐसा क्लाइमेट, ऐसी ठंडी हवाएं, ऐसे बर्फीले पहाड़, ऐसा मुंबई में तो यार दूर दूर तक किसी को देखने मिलता है नहीं। मैंने कभी टिबेटन फूड ट्राई किया ही नहीं है, मैं बहुत ही एक्साइटेड था। नहीं दे रही हूं, ये देयर वाज दिस अमेजिंग सेटअप ऑन द टेबल। आकाश एंड हमारा फर्स्ट टाइम में बॉन्डिंग ज्यादा अच्छा हो गया था, तो हम एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, बातें हो रही थी। ये तुमने डाला है? या मुझे लगा आपको चाहिए था। थैंक यू। वाह वाह, क्या प्यार आ रहा है। अरे सुन, ज्यादा हो रहा है। मेरा बॉन्ड बहुत ही अच्छा चल रहा था और मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया आदित्य के साथ। ड्राइव में काफी क्लोज हो गए थे। हां, फिर सो हैप्पी फॉर यू ब्रो। अभी हो गया ना, इसको अटेंशन मिला ना पूरा। कुछ नहीं, अभी वो I really thought that was a little dumb. I mean, I think she is a little slow, but
Like, who forgets the name? उसका नाम थोड़ा difficult लगा था पहले, तो मुझे याद नहीं थी. I wish that I end up being comfortable with her as a partner, because end of the day मैं पूरी trip में most of the time उसके साथ रहना था. तो वहाँ पे हम लोगों ने काफी enjoy किया. मन नहीं कर रहा था कि वहाँ से उठकर जाए, because वहाँ का जो view था वो बहुत 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 awesome था. हेलो ट्रैवलर्स, आई होप आप लोगों को मेरा अरेंज किया गया तिब्बतन मील पसंद आया. काफी मैंने हर ट्रैवलिंग कपल के लिए यहाँ धर्मशाला ब्लॉसम विलेज रिजॉर्ट में कॉटेजेस अरेंज किए हैं. वाओ, उसके साथ आई आल्सो हैव अ स्पेशल गिफ्ट व्हिच यू कैन यूज टू मेक योर ट्रैवल डायरी. लेट्स गो. हम कॉटेज गए लड़कों के साथ. वाओ, कॉटेज बहुत ही ज्यादा सुंदर था, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस था. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यार हम यहाँ रुकने वाले. फोन भी थे दो, ताकि हम अपने ट्रैवल व्लॉग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो आई वाज सुपर एक्साइटेड, क्योंकि आई लव टेकिंग ट्रैवल व्लॉग्स. क्या होने वाला है? ओह वाओ, ओह देयर वाज अ फोन, इट लुक्स सो प्रिटी. Look at this. Is that what we're gonna get? एक रूम में हम लोग कैसे रह सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि तुम सोफे में सो जाओ और मैं यहाँ सो जाऊँ. Okay fine. I'll sleep on the sofa. Don't worry. Sure. Yeah yeah. Argument नहीं चलेगा बाद में. No argument. Because मैं पहले. I'm very sacrificing that way. I'll sleep on the sofa. Oh my god. देख मुझे वैसे एक लड़की के साथ इमीडिएटली रूम शेयर करना बहुत अजीब लगता है. हाँ हाँ. तो इसलिए मैं अदिति को, मैं उसे इतना अच्छे तरह से जानती हूँ, तो सबसे कंफर्टेबल है ऑब्वियसली अदिति के साथ रहूंगी. हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं आकाश के साथ रुकता हूँ. आई एम नॉट टू ओपन टू द आइडिया ऑफ लव. आई मीन अगर होता है तो होता है. सो लड़की के साथ रूम शेयर करना आई वॉज नॉट एट ऑल ओके विद इट. यू नो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम दोनों इतना जल्दी कनेक्ट कर लेंगे. बिल्कुल नहीं किया था. But now I don't regret it. My choice. Now I like your hair. You do? That's a miracle. क्या बात? हम जब भी मिले थे, तब से लेके होटल तक मैंने और कस्तूरी ने काफी बातें कर ली थी. और इवन तो हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, but we still found a lot of comfort एक दूसरे की कंपनी में. Tell me something. आपको कड़ल करना पसंद है सोने से पहले? Perfect then. Head massage. Sorted. वो हो जाएगा. Yeah. Back massage? Obviously. नहीं, मैं hint कर रहा था कि आप मुझे back massage दो. नहीं, तुम करोगे मेरा. ठीक है, चलो आज रात कर लूँगा मैं. Okay. अच्छा हो तो फिर बाकी सब दिन आपको करना है. बाकी सब दिन. हाँ. Done. ठीक है, चलो. मैं उसके साथ थोड़ा comfortable होने लगी and मैंने ये सोचा कि मुझे travel इसी के साथ करना है, तो मुझे लगा कि मैं इसके साथ room share कर सकती हूँ. What's up, buddy? Hey, hi. Also, we have news for you guys. Yeah. वो पहले बाद में बताते हैं, एंड में बताते हैं. आप लोग बोलो क्या चल रहा है? क्या प्लान है? तुम लोग एक कमरे में? हाँ यार, हम लोग तो एक कमरे में. तुम लोगों का क्या सीन है? तुम दोनों. आकाश और मैं शेयर कर रहे हैं. Are you sure? I'm very sure. हाँ? Why would I mind? Are you okay with it? Why would I mind, bro? कस्तूरी बोल रही थी कि उसको ध्रुविन बिल्कुल पसंद नहीं है और बहुत इरिटेटिंग है. लेकिन when we asked them do you want to change rooms, Dhruvin aur Kasturi ne bola ki nahi, wo ek saath rahenge. So that was very confusing. Par wo pehle purane zamane se stupid sa sexism wapas aa gaya. Itni exciting trip pe Karan ne itne pyar se hamari jodiyan banayi hai, itne unique tarike se hame milwaya hai, to why should we sleep in separate rooms? Boys hi kyun aur girls hi kyun? Finally maine aur Dhruvin ne decide kar liya ki hum saath mein room share karenge. फिर सब लोग जाए भाड़ में, मुझे किसी से मतलब नहीं. शर्म आ रही थी मुझे फर्स्ट मीटिंग में डायरेक्ट लिप टू लिप. ताशी दिलक गाइस. नागपो दांग सेपोरा घी तोंग खांग, इसका मतलब समझ नहीं आया.
पूरा शो फ्री में देखने के लिए डाउनलोड कीजिए एमएक्स प्लेयर ऐप या फिर लॉग ऑन करें www.mxplayer.in पर।